हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। आज का खास वीडियो उन लोगों के लिए है जो विशेष करके नए नए जो एंड्रॉयड फ़ोन यूज़र्स होते हैं, जो अपनी लाइफ में पहली बार ही एंड्रॉयड फ़ोन वो यूज़ कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ दो ऐसे ज़रूरी टिप्स बताने वाला हूँ जो हर आदमी को लाइफ में वो काम आती है। सबसे पहले जो मैं टिप्स बताने वाला हूँ वो है सिम के कॉन्टेक्ट नंबर है वो फ़ोन के अंदर कैसे शो करें, क्योंकि वो सिंपल कीपैड वाला जो फ़ोन रखते हो आप उसके अंदर लगभग जो फ़ोन के जो कॉन्टेक्ट होते हैं सारे सिम के अंदर होते हैं। सिम के अंदर 200 के आसपास है वो कॉन्टेक्ट नंबर है वो हम लोग सेव कर सकते हैं। तो वो सेव हुए नंबर जैसे आप एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर उस सिम को डालते हो तो वो नंबर है एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर कैसे शो होंगे। तो अक्सर ये प्रॉब्लम है बहुत सारे लोगों को आती है, तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं सत्यपाल शर्मा टेक्निकल दोस्त इंडिया के चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, आपको जो मैं दूसरी टिप्स बताने वाला हूँ वो है ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग की। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अदर ऐप है वो डाउनलोड करते हैं अपने फ़ोन के अंदर कॉल रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसमें आपको किसी भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, आप विदाउट सॉफ्टवेयर भी अपने फ़ोन के अंदर वो कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो, वो भी सभी कॉल और ऑटोमेटिक होगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जैसे ही फ़ोन आएगा रिकॉर्डिंग स्टार्ट, जैसे ही फ़ोन कटा रिकॉर्डिंग बंद। तो कैसे, तो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं, चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो दोस्तों, सिम के सारे नंबर है वो मोबाइल में शो करने के लिए आपको कॉन्टेक्ट को ओपन करना है। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे सेटिंग पे वो क्लिक करना है। जैसे आप सेटिंग पे क्लिक करोगे तब आपको यहाँ पे डिस्प्ले कॉन्टेक्ट्स नाम से एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, डिस्प्ले कॉन्टेक्ट। तो डिस्प्ले कॉन्टेक्ट पर आपको क्लिक करना है और उसके अंदर आपको जो सिम के नंबर होंगे उस पे से राइट का चिन्ह नहीं होगा। तो मेरे तो पहले ही यहाँ पे क्लिक किया हुआ है इसलिए राइट का चिन्ह है, तो यहाँ पे आपको राइट का है वो चिन्ह करना है। जैसे आप राइट का यहाँ पे सिंबल करोगे तब जितने भी आपके मोबाइल नंबर हैं सिम के अंदर वो सारे के सारे फ़ोन के अंदर शो हो जाएंगे। तो मैंने तो सारे किए हुए हैं, मेरा व्हाट्सएप के, मैसेंजर के, ईमेल आईडी के, सब के, तो मेरे फ़ोन में सब के नंबर है वो शो होता है। अब बात करते हैं रिकॉर्डिंग की। तो रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, तो मोस्टली रिकॉर्डिंग है वो ऑटोमेटिक हमें स्टार्ट करनी है विदाउट एनी सॉफ्टवेयर। तो सेटिंग के अंदर जाना है अपने फ़ोन की, उसके बाद आपको जाना है एप्लीकेशन एंड परमिशन में। वहाँ पे आपको सिस्टम ऐप सेटिंग के अंदर जाना है, वहाँ पे आपको फ़ोन वाले सिस्टम पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे चार नंबर आपको रिकॉर्डिंग सेटिंग है वो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तो उस पर आपको क्लिक करना है और आपको रिकॉर्ड ऑल कॉल्स ऑटोमेटिकली इस पर क्लिक करना है। तो जितनी भी आपकी फिर कॉल आएगी सारी की सारी है वो ऑटोमेटिक है वो रिकॉर्डिंग है होना शुरू हो जाएगी। तो आज मैंने आपको सिर्फ दो ही टॉपिक बताए हैं, अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं और कोशिश करूँगा कि मोबाइल के बारे में आपको और जानकारी दूँ। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए टेक्निकल दोस्त इंडिया के साथ। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप वो कर सकते हो। तो आज का वीडियो आप बहुत सारे जो ओल्ड एंड्रॉयड यूज़र्स हैं वो इस वीडियो को देख के सोच रहे होंगे कि कितना इजी वीडियो है, या आपने जो बताए हैं वो टिप्स ट्रिक है वो हमें पहले से पता है, लेकिन आप लोगों को पता है लेकिन मैंने जो वीडियो बनाया है वो सिर्फ और सिर्फ जो नए एंड्रॉयड यूज़र्स हैं उनके लिए बनाया है। तो टारगेट है वो सिर्फ वही है, ताकि वो बहुत से लोगों को पूछते हैं कि मेरे कॉन्टेक्ट सिम के अंदर जो कॉन्टेक्ट है वो शो नहीं हो रहे, कैसे शो करेंगे, तो उनके लिए, और अक्सर उनको कॉल रिकॉर्डिंग की प्रॉब्लम आती है तब उनके लिए है। तो आप जो ओल्ड यूज़र्स हो उनको तो ये सब पता ही होता है। तो चलिए, आज आपने सीख लिया होगा और बहुत ही इजी तरीके से सीखा होगा। तो दोस्तों, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको नॉलेज मिल रहा है, तो दोस्तों एक लाइक बनता है। और हाँ दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब है वो ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।